जब मन हो कुछ स्पाइसी और क्रिस्पी खाने का तो ट्राई कीजिए ये क्रिस्पी कुरकुरी चाप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज हम बनाने वाले हैं ये क्रिस्पी और कुरकुरी चाप। ये चाप ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी होती है। चाप बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। चाप बनाने के लिए आपको चाहिए 400 ग्राम चाप, दही, कॉर्नफ्लोर, मैदा, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक और ये है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और हमें चाहिए इसके लिए ये कॉर्नफ्लेक्स, ये आपको इजीली कहीं पर भी मार्केट में मिल जाएंगे और इसका ऑनलाइन परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सबसे पहले हम चाप की ये स्टिक अलग कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको स्टिक के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बिना स्टिक के बनाया है और इसे मैंने इस तरीके से 3 पार्ट्स में काट लिया है। ये देखिए चाप हमारी कट के रेडी है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। हमें इसे स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना, हल्का सा ही फ्राई करना है ताकि इसकी लेयर्स आपस में खुल जाए। ये देखिए चाप हमारी फ्राई हो गई है। एक बोल में हम ये फ्राई की हुई चाप लेंगे। चाहे तो आप इस चाप को शैलो फ्राई भी कर सकते हैं पैन में डाल के। इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच दही, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच भर के चाट मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच भर के हम लेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे मैरिनेट करने के लिए। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। एक अलग बोल लेंगे, उसमें डालेंगे 4 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़े से चिली फ्लेक्स और डालेंगे थोड़ा सा ओरिगैनो। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक अच्छा सा घोल रेडी कर लेंगे। घोल बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी का घोल हमें रेडी करना है। अब जो ये हमने कॉर्नफ्लेक्स लिए थे, इसमें से हम 2 मुट्ठी कॉर्नफ्लेक्स अलग करके मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसे पीस लेंगे, इसका पाउडर रेडी कर लेंगे। और जो ये बचे हुए कॉर्नफ्लेक्स हैं, इसे हम हाथ से ही चूरा चूरा कर लेंगे। ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिए हैं, इसमें मिक्स कर दूंगी ताकि कोटिंग में ये अच्छे से कोट हो सकें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और हाँ, घंटे का बटन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। आपको मेरे चैनल पर हर तरह की वीडियो मिलेंगी। मेरे चैनल पर एक गिव अवे वीडियो है, आप जाके ज़रूर देखिए और ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए उसमें। अब हम चाप रेडी करते हैं। ये देखिए कॉर्नफ्लेक्स रेडी है, चाप मैरिनेट होकर रेडी है, ये मैदे का घोल भी रेडी है। और हमें लेना है एक बोल में सूखा मैदा। पहले हम चाप को सूखे मैदे में डिप करेंगे और उसके बाद हम इसको मैदे के घोल में डालेंगे ताकि इसकी कोटिंग ना उतरे। पहले हम एक चाप लेंगे, इसे हम सूखे मैदे में डिप करते हैं इस तरीके से ताकि इसकी मैरिनेशन ना उतरे बिल्कुल भी। और फिर हम इसको इस मैदे के घोल में डालेंगे, अच्छे से इसको कोट करेंगे और एक फोक की हेल्प से हम इसे निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा बैटर नीचे रह जाए। और फिर हम इसे कॉर्नफ्लेक्स में इस तरीके से डाल देंगे और इसे अच्छे से कॉर्नफ्लेक्स से हम कोट कर देंगे। कहीं से भी इसका पार्ट कुछ बचे ना, अच्छे से हमें इसको कॉर्नफ्लेक्स से कोट करना है। ये देखिए चाप हमारी अच्छे से कोट हो गई है। हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे आप 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें इस तरह से रेडी करके, और उसके बाद फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और अंदर से बिल्कुल जूसी बनेगी। हम इसे ऐसे रेडी करके रख देंगे तो सिर्फ फ्राई करनी रह जाएगी। आपके घर कोई गेस्ट आते हैं या कोई पार्टी होती है तो आप इसे पहले से ही रेडी करके रख दें और जब गेस्ट आए तो फटाफट फ्राई कर लें। चलिए हम इसे फ्राई करते हैं। एक कढ़ाई में हम ऑयल ले लेंगे, उसे मीडियम टेम्परेचर पर गर्म कर लेंगे और इस चाप को फ्राई करने के लिए डाल देंगे। हमें इस चाप को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है ताकि अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए और ऊपर से एकदम क्रिस्पी बन जाए। इसे अलट पलट के हम फ्राई कर देंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए हमारी चाप रेडी हो गई है। इसे ऑयल छान के हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। चाप हमारी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे मैंने ग्रीन चटनी, मेयोनीज और चिली सॉस के साथ
सर्व किया है। देखिए कितनी क्रिस्पी और टेस्टी लग रही है। चाप हमारी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।